गंगा नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार आज से सबसे बड़ी मुहिम नमामि गंगे शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत गंगा की सफाई के लिए 300 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। नमामि गंगे की शुरुआत हरिद्वार में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उमा भारती, नरेंद्र तोमर और महेश शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ऋषिकुल मैदान में करोड़ों की 43 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा गंगा की निर्मलता के लिए आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अगुवाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा राज्य के बीजेपी सांसद और कई विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश समेत 4 देशों के पास इनकी यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मोजाम्बिक पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री दिन भर रुकेंगे। यहां राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मोजाम्बिक के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री महात्मा गांधी से जुड़ी जगहों पर भी जाएंगे। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का तंजानिया और 11 जुलाई को केन्या जाने का कार्यक्रम है। पैंतीस सालों में कीनिया के दौरे पर जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। चारों देशों में मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। बाजारों में ईद की रौनक है, लोगों में उत्साह है। ईद पर जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे को तोहफे भी भेंट किए जा रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्यौहार ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ को फोन कर उन्हें और पाकिस्तान की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत दूसरे कई मुस्लिम देशों के प्रमुखों को भी ईद की बधाई दी। भारत पाक सीमा पर अटारी बाघा बॉर्डर के पास बॉर्डर गार्ड्स ने आपस में एक दूसरे को मिठाइयां देकर ईद की मुबारकबाद दी। उरी और तंगधार में भी दोनों देशों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। ईद उल फितर के मौके पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिठाइयां और मुबारकबाद का सिलसिला काफी पुराना है। भारत पाक की सेना के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए बंटवारे के बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर न जाने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा भारतीयों को सुनसान और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए भी कहा जा सकता है। तो वहीं एडवाइजरी में घरेलू नौकर की जानकारी पुलिस को देने की बात भी कही जा सकती है। इसके साथ ही कार या अन्य दूसरे व्हीकल से सवारी करते वक्त अपने आसपास ध्यान रखने और संदिग्ध शख्स या हरकत महसूस होने पर आसपास मौजूद दुकान बिल्डिंग में छिपने से जैसी बातों को भी एडवाइजरी में शामिल किया जा सकता है। आतंकी संगठन आईएस ने बांग्लादेश को और हमलों की धमकी दी है। आईएस के गढ़ डक्का शहर से बंगाल में आईएस से जुड़ी एक वेबसाइट पर जारी एक वीडियो के जरिए ये धमकी दी गई है। इस वीडियो में आईएस ने कहा है कि बांग्लादेश पर और हमले किए जाएंगे। इस वीडियो में जिन लोगों को दिखाया गया है उनमें से 3 बांग्लादेशी मूल के हैं। वीडियो में ये लोग कह रहे हैं कि हम मुजाहिदों की हत्या करना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं।
वीडियो में एक शख्स बांग्लादेश सरकार को काफिर कह रहा है। पिछले हफ्ते ढाका में हुए आतंकी हमले में 20 बंधकों और 2 पुलिसकर्मियों को जान गंवानी पड़ी थी। जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेशी कमांडोज ने 6 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि कमांडोज को 7वें आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। मऊ के यूपी के मऊ में एक कॉलेज ने दाढ़ी रखने पर तुगलकी फरमान जारी किया है। फरमान में ये कहा गया है कि अगर कॉलेज में दाखिला चाहिए तो दाढ़ी हटवानी पड़ेगी। छात्र का आरोप है कि दाढ़ी की वजह से कॉलेज के स्टाफ ने दाखिले से इनकार कर दिया। कॉलेज प्रशासन का इस फैसले का विरोध हो रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने छात्र के आरोपों को निराधार बताया है। ये कहना है कि छात्र को मेरिट लिस्ट में कम नंबर मिले थे और इस वजह से एडमिशन नहीं मिला। मामला जिला अधिकारी तक पहुंच चुका है। डीएम ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के बदनौर में देर रात ट्रॉली और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बाजुना गांव के पास ट्रॉली ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए भीलवाड़ा के विजयनगर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के बस्ती जिले में घाघरा नदी एक बार फिर से उफान पर है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से किसान परेशान है। उनके सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की कटान में समा चुकी है, तो कई एकड़ में सब्जियों की फसल पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नदी में उफान के चलते आसपास के गांव में बसे लोग दहशत में हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बांधों में कई जगहों पर रैन कटस और ठोकरों की मरम्मत भी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच जिला अधिकारी ने भरोसा दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक शख्स गंगा में छलांग लगाने से वो स्टंट कर रहा था एक तरह से, लेकिन यह स्टंट उसकी जान पर भारी पड़ गया। कलाबाजी दिखाने की कोशिश में शख्स की जान चली गई। पानी कम होने की वजह से उसका सर किसी चीज से टकरा गया। फिलहाल पुलिस शव की तलाश कर रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाथी के एक बच्चे का भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। अपनी मां की मौत हो जाने के बाद 3 साल का ये बच्चा 24 घंटे तक उसकी डेड बॉडी के साथ चिपका रहा। सूचना मिलने पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारी बच्चे को मां से अलग करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा अपनी मां का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद बच्चे को मां से दूर किया गया और उसके बाद इसको दफनाया गया। 25 साल की ये हथिनी दूसरे हाथी के साथ हुई लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसके बाद काफी खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। केजरीवाल के पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र कुमार के करीबी सहयोगी अशोक कुमार ने सीबीआई पूछताछ में बताया है कि उसने राजेंद्र कुमार के कहने पर ही रिश्वत ली। सीबीआई ने 4 जुलाई को केजरीवाल सरकार के मुख्य सचिव रहे राजेंद्र कुमार और उसके दोस्त अशोक कुमार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो भाई दिल्ली सरकार ने कल राजेंद्र कुमार को नियमों के आधार पर सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को एंटी करप्शन ब्रांच ने वाटर मीटर घोटाले में नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। एसीबी ने शीला दीक्षित को 2 नोटिस भेजे हैं। पहले नोटिस में उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है, जबकि दूसरे नोटिस में पूछा गया है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक पूछताछ का समय और जगह बताएं। दिल्ली सरकार ने सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। नियमों के मुताबिक 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर सरकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं ने शहीदी पार्क आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने संदीप गडोली का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद से मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने फर्जी करार दिया था। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक खालिद पहले लड़कियों को लव मैसेज भेजता था। लड़कियां जब इसका विरोध किया करती थी तो ये अश्लील मैसेज या वीडियो भेजने लगता था। पुलिस के मुताबिक खालिद अब तक 1800 से ज्यादा लड़कियों को अश्लील मैसेज भेज चुका है। पुलिस ने इसके पास से 3 सिम कार्ड्स और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। रोहिणी के सेक्टर 16 में मोहल्ला क्लिनिक ने एक गर्भवती महिला की थैलेसीमिया से पीड़ित उसको बता दिया, जबकि उसने दूसरी जगह टेस्ट करवाया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मुंबई में सलमान खान आज महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सामने पेश हो सकते हैं। महिला आयोग ने रेप पीड़ित महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर सलमान को नोटिस भेजा था। आज ही धोनी की वजह से पेशी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि वो पेशी के लिए नई तारीख नहीं देगी। मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र इशारे करने वाले लड़कों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 5 जुलाई की रात सांताक्रूज स्टेशन का है। स्टेशन पर 2 लड़कियां किसी का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर खड़ी लोकल ट्रेन जैसे ही चलने लगी, ट्रेन के कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े लड़कों ने पहले तो पप्तियां कसी, फिर लड़कियों को लेकर अभद्र इशारे किए। बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी ने 114 प्लस की रणनीति बनाई है। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से चुनावों के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। अपील की उनसे और कहा कि 2019 तक मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। मुंबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही सरकार ट्रांस हार्बर लिंक का भूमि पूजन कर इस साल अक्टूबर तक इसकी कराने की शुरुआत कोशिश कर। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के पार्षद ने बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को अगवा करने की धमकी दी है। पार्षद संदीप देश पांडे ने जी नॉर्थ के वार्ड ऑफिसर रमाकांत विटकर को सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाने पर उन्हें अगवा करने की चेतावनी दी। मुंबई की किला कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद्मन्यु यादव को 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पद्मन यादव मुंबई में संदीप गडोली फर्जी इनकाउंटर केस में आरोपी है। पद्मन गुड़गांव में क्राइम ब्रांच में तैनात थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के बारे में आरएसएस नेताओं को सफाई दी। सूत्रों के मुताबिक संजय पाठक को मंत्री बनाए जाने से संघ नाराज है, तो वहीं उद्योग मंत्रालय छीनने से यशोधरा राजे सिंधिया नाराज बताई जा रही है। भोपाल में पुलिस की मारपीट में घायल हुए पत्रकारों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अखबार के इन 2 पत्रकारों की अवधपुरी थाने के एएसआई समेत 3 पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी थी। हालांकि इस पर कार्रवाई करते हुए टीआई शिखा बैस को लाइन अटैच कर दिया जाता है। एमपी के सागर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश से यहां के नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी घुस गया है। सागर मालथोन ब्लॉक के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, तो नरसिंहपुर में कई कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया है, तो वहीं नगर पालिका बारिश का पानी निकालने में फेल रही है। एमपी के करेली में गर्भवती को रिक्शे पर अस्पताल पहुंचाने के मामले में नरसिंहपुर की जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जननी कॉल सेंटर के प्रभारी राजकुमार लोधी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही सीएमएचओ प्रदीप धाकड़ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल यहां के करेली में एक महिला को लेबर पेन और उस तो जब महिला को लेबर पेन हुआ उसके बाद उसकी पड़ोसी ने कॉल सेंटर जननी कॉल सेंटर पर फोन किया। कई घंटों के इंतजार के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो गर्भवती को रिक्शे पर अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी के मुरैना में एक गरीब शख्स की जमीन पर मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ के खास खेड़ा गांव का ये पीड़ित परिवार पिछले 8 साल से अपने रिश्तेदारों के यहाँ
शरण लेकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने छोटी छोटी विवादों को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों से मारपीट करते थे और बाद में उनको गांव छोड़ना पड़ा था। पिंक सिटी जयपुर के टोंक रोड पर मौजूद होटल बेला कासा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर होटल की तीसरी मंजिल पर चल रही पार्टी में अचानक छत गिर गई, जिसमें 60 से ज्यादा लोग दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त नवलगढ़ से आए लोगों की एक पार्टी चल रही थी जिसमें 150 से ज्यादा लोग शामिल थे। कोटा में कोचिंग करने के लिए बिहार से आए एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ के एलन कोचिंग संस्थान ने कोचिंग कर रहे निखिल नयन छात्र नाम के छात्र ने अपने बाथरूम के शार से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बिहार के भागलपुर का रहने वाला निखिल 17 जून को ही कोचिंग के लिए कोटा आया था। बताया जा रहा है निखिल ने 2 दिन पहले ही सुसाइड किया था। अलवर में राजस्थान पुलिस ने एटीएम हैंग कर कैश चुराने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अजरुद्दीन और मुंसीर हरियाणा के रहने वाले हैं। राजस्थान के बारा में बाढ़ के पानी में फंसे एक पति पत्नी को रेस्क्यू कर बचाया गया। दरअसल यहां पर बहने वाली पार्वती नदी में अचानक भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण नदी के बीच बने एक टापू पर यहां के कोयला गांव के ये पति पत्नी फंस गए। बाद में स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर इनको बचाया। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों को नदी के बीच में बने इन टापुओं पर जाने के लिए मना किया गया है, फिर भी लोग वहां पर आ जा रहे हैं। अर्जेंटीना के पूर्व स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने टैक्सी चोरी मामले में दोषी पाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। कोर्ट ने मेसी और उनके पिता जार्गे को टैक्स धोखाधड़ी के 3 मामलों में 21 महीने की जेल और करीब 15 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के तहत आती है, इसलिए फिलहाल मेसी और उनके पिता को जेल नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका के ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस को आखिरकार सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। प्रिटोरिया की अदालत ने पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड की हत्या का दोषी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई है। पिस्टोरियस ने सजा के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है। ऑस्कर ने अपनी गर्लफ्रेंड को 2013 में वैलेंटाइन डे पर गोली मार दी थी। इन दिनों आतंकी संगठन ISIS मोबाइल ऐप के जरिए खतरनाक विज्ञापनों को भेज रहा है। ज्यादा से ज्यादा पैसों और फंड के लिए ISIS अपने कब्जे में ली गई ISIS महिलाओं और लड़कियों के इंटरनेट के जरिए बोली लगाकर उन्हें सेक्स स्लेव के तौर पर बेच रहा है। अपने अधिकारों में ली गई 3000 महिलाओं पर ISIS के अधिकारी जुल्म करते हैं। लड़कियों को बेचते समय ISIS के अधिकारी लड़कियों के बारे में पूरी जानकारी इंटरनेट पर साझा करते हैं, तो वो इंटरनेट के जरिए महिलाओं की तस्वीर और उनके मालिकों के नाम भी डेटाबेस में डालते हैं। जो व्यक्ति बोली जीत जाता है वो लड़की को लेकर चला जाता है। गौरतलब है कि साल 2014 में ISIS ने हजारों की संख्या में यजीदी लड़कियों को अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद से अरब और कुर्दिश तस्कर ISIS की ओर से गुलाम बनाई गई इन लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश करते रहे हैं। फॉक्स न्यूज के लिए काम कर चुकी एक एंकर ने कंपनी के CEO रॉजर एलिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। रॉजर की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, पर ब्रिटेंशन का कहना है कि रॉजर की बात न मानने पर परेशान किया गया और गलत तर्क देकर नौकरी से निकाल दिया गया। लुसियाना में 2 श्वेत पुलिस वालों के एक निहत्ते अफ्रीकी मूल के आदमी को गोली मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक आदमी के गन से धमकाने की खबर के बाद पहुंची पुलिस के 2 अधिकारियों ने बहस के बाद एलनटन नाम के एक शख्स को गोली मार दी। चश्मदीद ने हादसे को शॉकिंग बताया। ब्राजील में सैलरी को लेकर चल रहे पुलिस और फायर फाइटर्स विरोधी प्रदर्शन के बावजूद रक्षा मंत्री को भरोसा है कि रियो ओलंपिक के दौरान सुरक्षा के तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो
आईओसी की सभी सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट्स को पूरा करेंगे और ओलंपिक के लिए किए जाने वाले सभी लोगों को सुरक्षित महसूस करवाएंगे। रियो ओलंपिक में बढ़ते घटते विवादों के बीच खिलाड़ियों की परेड यूनिफॉर्म को एक इवेंट में प्रदर्शित किया गया। इस यूनिफॉर्म को ब्राजीलियन डिजाइनर लेनी ने डिजाइन किया है। इस समारोह में ब्राजील ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। चीन में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद ह्यूमेन प्रोविंस में भूस्खलन और बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग लापता हैं। तो मंगलवार को शुरू हुई बारिश के बाद करीब 60,000 लोग प्रभावित हुए। कई घर पानी में डूब गए हैं और कारों को पानी पर तैरते देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव और तालिबान में लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया है कि 8,400 अमेरिकी सैनिक 2017 तक वहां तैनात रहेंगे। ओबामा ने अपने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के रोल में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौर में शामिल संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने एटलांटिक सिटी में डोनाल्ड ट्रंप के बंद पड़े कैसीनो को लेकर तंज कसा है। हिलेरी ने कहा कि जो शख्स अपने व्यापार को ठीक से नहीं चला सकता है वो व्हाइट हाउस जाना चाहता है। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले सिंगर मीका सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मुंबई में एक मॉडल ने मीका पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। वर्सोवा थाने में मीका के खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया है। फिल्म अकीरा में अपने एक्शन अवतार से दर्शकों के होश उड़ाने वाली सोनाक्षी ने अपनी नई फिल्म नूर की शूटिंग शुरू कर दी है। सोनाक्षी ने नूर के सेट से एक फोटो अपने फैंस के साथ शेयर की। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में दिल्ली में हुए यूनिसेफ के फेयर स्टार्ट कैंपेन में शामिल हुई। इस कैंपेन में प्रियंका ने वुमेन एम्पावरमेंट और अपने स्ट्रॉन्ग व्यू शेयर किए। प्रियंका खुद लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं और उनकी हर बात इवेंट में शिरकत कर रही लड़कियों ने ध्यान से सुनी। रणबीर कटरीना अगले साल फिल्म जग्गा के प्रमोशन में एक साथ नजर आ सकते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर का कहना है कि दोनों फिल्म को जरूर प्रमोट करेंगे। हालांकि ब्रेकअप के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों एक साथ प्रमोशन नहीं करेंगे। हाल ही में सलमान खान ने मुंबई में अपनी फिल्म सुल्तान की ग्रैंड स्क्रीनिंग की, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए। इसमें खुद सलमान, उनके पिता सलीम खान, यूलिया वंतूर, कैटरीना कैफ, डेजी शाह और एली अवराम भी पहुंचे थे। लव बर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने अपने रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला लिया है। दोनों अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। आलिया ने हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि वो पर्सनल लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करेंगी। खबरों की माने तो एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट जल्द ही लिव इन में एंटर कर सकते हैं। विराट ने हाल ही में मुंबई में 34 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हैं। बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस की तरह अनुष्का शर्मा भी जल्द ही सिंगिंग शुरू कर सकती हैं। अनुष्का का कहना है कि उन्हें अपनी आवाज पर पूरा भरोसा है। सोनम कपूर का कहना है कि फिल्म वीरे दी वेडिंग की तरह वो भविष्य में भी दूसरी एक्ट्रेस के साथ मिलकर फिल्मों में काम करना चाहते हैं। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म रानी पद्मावती का हिस्सा नहीं होगी। इस बारे में चली आ रही अटकलों को संजय लीला भंसाली के प्रवक्ता ने दरकिनार कर दिया है। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने सोशल मीडिया पर सलमान और अपने बेटे आहिल का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान आहिल के साथ बॉक्सिंग करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिए फोटो शूट किया। फोटो में कंगना का एक अलग अंदाज देखने को मिला। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।